चलो दाहिनी तरफ चलो, तुम इधर चलो कोतवाल। आओ। प्रधान जी। जी हुजूर। महाराज, समस्त प्रजाजनों का जीवन बहुत ही सुखी व्यतीत हो रहा है। नहीं नहीं महाराज, अपने राज में आधे राज में सूखा है और आधे राज में पानी है, इसलिए लोगों को खाना नहीं मिलता। लेकिन महाराज, अपने आशीर्वाद से लोग सुखी है। कोतवाल, महाराज खाली सज्जनों का हिसाब सुनना पसंद करते हैं, दुर्जनों का नहीं। अरे बेशरम, बेहया, बेवकूफ, बे के बे, बे दुने साथ साथ। अरे खाली बकबक किए जा रहे हो। ये देखो, सज्जन की बात छोड़ो, दुर्जन की छोड़ो, हमारे हालत कोई पूछेगा कि नहीं? कोतवाल को पूछो। महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? या तुम्हारे नाक के ऊपर भगवान ने तो मट्टी के गोले चिपकाए हैं? अरे हमारी तरफ अंधा भी देख के कह सकता है कि हमारी हालत कितनी खराब है। अंधा कहीं का। जब से हमने इस दरबार में कदम रखा है, तब से हमारा ये सर दर्द से फटा जा रहा है, फटा जा रहा है। कोतवाल को देखो, फट रहा है। क्या? फट रहा है। क्या? फट रहा है। क्या फट रहा है? सर, सर दर्द से फट रहा है। महाराज, आपका सर यकायक कैसे फटने लगा? वाह 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 प्रधान जी, आज पहली दफे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। That's a very good question. Okay. What okay? Don't talk. इसकी वजह जानते हो? इसका कारण क्या है मालूम है? क्या है? इसका कारण है पायगुण। पायगुण? पायगुण। महाराज, पायगुण का मतलब क्या होता है? वाह वाह, अरे एक ही दिन में दूसरा अच्छा सवाल है। That's also a very good question. Okay. Don't talk. अरे पायगुण का मतलब जानते हो? पाय गुण में दो शब्द है, पाय और गुण। मतलब मालूम है? नहीं। पाय माने के पैर और गुण माने के दोष। दोष? दोष। कुछ कुछ आदमियों के पैर में ऐसा दोष रहता है। कोतवाल को क्या देख रहा है? पैर दबाओ, महाराज के पैर दबाओ, पैर में दोष है। महाराज, कौन से पैर में दोष है बताओ? नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो ना, ओ पकड़ू, उठो। किस गधे ने तुम्हें कोतवाल बनाया? आपके पिताजी। क्या महाराज, अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपकी। अच्छा, 19 मई भारतीय सौर वर्ष। कोतवाल, तुम्हारी ये बात ख्याल में नहीं आई? अरे पायगुण हमारा नहीं, हमारा सर दर्द। पायगुण हमारे बहू का, यानी कि युवराज के पत्नी का। जब से उसने हमारे घर में कदम रखा, यानी कि इस राज प्रासाद में कदम रखा, तब से हमारा ये सर दर्द से फटा जा रहा है। अभी ख्याल में आ गया। क्या? छोटे बहू का पाव जब से अपने महान को लगा है, जब से अपना सर फटने फट रहा है। महाराज, पायगुण खराब है। बहुत खराब। पायगुण खराब है। बहुत खराब। पायगुण खराब। हाजरीन देखिए, देखिए इस कोतवाल की अकलमंदी। इसकी अकल तो घोड़ों से भी तेज दौड़ती है। महाराज की बुद्धि एक तो इसकी तीन। महाराज तो महाराज, पर कोतवाल तो सुभान अल्लाह। एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुन लो। महाराज की बहुरानी पड़ी पढ़ी लिखी औरत। महाराज चाहते थे उनके दिमाग से कुछ न चले, लेकिन ये तो हुआ नहीं भैया।
युवराज की अपनी पसंद थी, प्यार मोहब्बत का सिलसिला था ना, सर दर्द तो इसी वजह से है। प्रधान जी देखो हमारा सर दर्द अब बढ़ते जा रहा, तो आज के लिए सब कारोबार बंद किया जाए। जी महाराज, पूरा दफ्तर पूरा काम बंद कर देंगे, रेडियो पे टीवी पे दुखी संगीत बजाएं। वाह, ताल नहीं दुखी संगीत। अरे ओ पगले, महाराज अभी तक ऊपर नहीं गए, यही है। अरे क्या संगीत है, इससे तो हमारा सर पूरा फट जाएगा। प्रधान जी, जी दूसरा कोई तरीका बताइए, नहीं तो ऐसा कीजिए एक आधी कहानी सुनाइए, बस कहानी ऐसी हो जिससे टाइम पास भी हो जाए और हमारा सर दर्द गायब हो जाए। सुनो दर्शकों, सुनो ये आज की कहानी। आज की कहानी, एक गांव में थे एक पाटिल, उनका बेटा था बहुगुणी बेटा, सब अब कतार। तार? देखा इसको पाइगुन, घर में कदम नहीं रखा और तार वाला तार लिए आया है। शादी के अवसर पर शुभकामनाएं मनोज और परिवार। दूसरे में जरूर कोई बुरी खबर होनी है। बड़ी ही खुशखबरी है, रामेश्वर सहकारी कारखाने में मुझे शुगर टेक्नोलॉजीज की नौकरी मिल गई है। बसंती, तुम्हारे आने की शुरुआत तो अच्छी रही। काहे की अच्छी शुरुआत बबू है, इसने घर में आते ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन ये पढ़ी लिखी औरत हमें भी घर से बाहर निकाल देगी। मुझे मालूम है कि बसंती पर आप इतना नाराज क्यों हैं? क्योंकि मैंने दहेज लेने से इनकार कर दिया ना। बोलो जो मन में आए ना वो बोलो। अरे बुढ़ापे में इसीलिए हम जिंदा है। अब तो तू नौकरी के बहाने परदेश चला जाएगा। अरे रामेश्वर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर ही तो दूर है, और फिर शनिवार इतवार मैं यहाँ आया करूँगा, छुट्टियों के दिन यहाँ बिता लूंगा। पति गए दूर, रहे बसंती अकेली, बसंती अकेली। आगे देखो अब उस पर क्या क्या है, गुजरी क्या क्या है। यार फुर्सत से एक घूट चाय भी नहीं पीने देता। बोल पाटिल, अपनी कपिला गाय है ना। अरे मर जाने दे वो गाय को, वही तो कहीं आया था, वो मर गई। हुँ? क्या? हाँ पाटिल, ये ले। अजी सुनती हो, सदानंद की माँ बाहर आ जाओ, देख पांड्या क्या कह रहा है। क्या हुआ पांडा, क्या बात है? अपनी अपनी कपिला गाय मर गई आज। देखा आप लोगों ने, आप सब लोग गवाह है, देखा हमारी बहू बसंती का पाइगुन। कितनी बार समझाया था, नए रिश्ते आए थे, लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर दहेज अच्छा मिलने वाला था। और गाय का मरना कितना बुरा होता है, कपिला मुझसे कितना प्यार करती थी, जब भी मैं उसे घास लेके जाती थी तो इतनी लंबी जीभ निकालकर मुझको बुलाती थी। पढ़ाई से क्या पाइगुन डब जाते हैं। कोई सीढ़ी से बोलो, खुश है किसी का।
छे 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 प्रधान जी जी हुजूर कमाल है इन लोगों का भी। अरे हमें तो लगता है इस पूरे गांव में कोई भी अकलमंद कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था। हमें तो लगता है ये सब पूरा गांव मूर्खों से भरा पड़ा है जैसे हमारा एक कोतवाल। यस सर। यस सर। जी नहीं हुजूर पूरा गांव तो वैसा नहीं था। अच्छा गांव में एक अकलमंद आदमी था। कौन? गायकवाड़ मास्टर साहब। अरे माधवा कहाँ थे दो दिन से प्रौढ़ शिक्षा वर्ग में आए नहीं। आज भी देरी से आए। आज क्या वजह है देरी से आने की? पाटिल की बहू की कारण देर हो गई। माधवा तुम खुद भी जानते हो जो बात तुम कह रहे हो उस पे तुम्हारा खुद का भी विश्वास नहीं है। पाटिल कह रहे थे उनकी गाय मर गई। अब ये पायबुन नहीं तो और क्या कारण हो सकता है? पाटिल और पाटली सब गांव को बता रहे हैं और मेरा भी विश्वास हो गया। ये झूठ है माधवा। मैं पाटिल और पाटलिन से बात करता हूँ। लेकिन मास्टर साहब पाटिल साहब हाँ हाँ भगवान न जाने इस चिट्ठी में क्या लिखा है। ये लो पढ़िए मास्टर साहब। भवानराव पाटिल कौन है? भवानराव हाँ मेरे चाचा है। औरंगाबाद जिले में रहते हैं। गुजर गए। उनके बेटे ने लिखी है ये चिट्ठी। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। राम राम राम। देखा मां साहब अब तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। ये पाइगुन नहीं तो और क्या है? हमें तो लगता था ये पाटिल पाटलिन बहुत बूढ़े हैं। बिल्कुल महाराज। फिर उनके चाचा चाची की उम्र क्या होगी? 99। अच्छा 9 के ऊपर 9। अरे ऐसा चाचा मर गया फिर भी वो पाटलिन रोती है नाटक करती है क्या? नाटक नहीं हुजूर तमाशा। पहले तो देखा कभी नहीं था उनको पर आप कह रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। कितने साल हुए उन्हें यहाँ आए हुए? अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी उन दिनों वे आते थे। उसके बाद उनका आना नहीं हुआ। वैसे उन दिनों में भी कुछ बुढ़ापा सही था। बहू के पायगुण से वो अगर चल नहीं बसते तो वे जरूर यहाँ आए होते समझे। पहले तो इसने हमारी गाय को मार डाला। अब मेरे चाचा को एक न एक दिन इसके पायगुण के कारण हमें भी जाना पड़ेगा। आप लोगों ने मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है? सदानंद ने हम लोगों से दहेज नहीं लिया उसका आपको बुरा लगा। मैंने किसको मारा? क्या बिगाड़ा है मैंने इस घर का? फिर हमारी गाय कैसे मर गई? गाय को रोग लगा था। आप उसे गुसाई को देकर पुण्य बनाना चाहते थे। मेरे चाचा और चाचा जो चाचा पिछले 50 वर्षों से आपने देखे नहीं थे यहाँ से 200 मील दूर रहते थे अपनी 99 बरस में मृत्यु की राह देख रहे थे। पिछले 4 बरस से चारपाई पे सोए थे। वो मेरी वजह से मर गए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या दोष है इसमें मेरा? पिछले 4 वर्षों में क्यों नहीं मरे? नालायक पकड़ कर ले आओ वो पाटिल पाटलिन को। अरे उनकी बेटी जैसी बहू और उसको इतना सताते हैं। कोतवाल जी हुजूर जाओ हिरासत में ले लो दोनों को। महाराज आगे तो देखिए उनका क्या हश्र हुआ। किस जमाने में रहते हैं आप? अरे जरा कुछ तो सोचिए। बसंती इस घर में आई है। दूसरे गांव में दूसरे लोगों में दूसरे वातावरण में पली हुई बसंती यहाँ आई है। आपको अपनी बहू मानकर उसकी इज्जत करनी चाहिए और आप एक है कि उसको बार बार सताते हैं। पायगुण पायगुण के नाम से उसको कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। फिर पिताजी मुझे कहो अपने इस घर को वो अपना घर कैसा मानेंगे? अरे कर ले माता पिता का अपमान कर ले। बूढ़े माँ बाप को तो तूने छोड़ ही दिया है। सारा गांव हम ही को कोसता है। कहते हैं पाटिल पाटली ने पढ़ाई लिखाई के देख ली उनका दिमाग सटक गया। दहेज नहीं लिया फिर भी पायगुण का झटका लग गया। तेरा शहर का सीखा हुआ ज्ञान शहर में रख। तेरे इस ज्ञान से हम गांव वालों को कुछ नहीं मिलने वाला। और सुन ले तेरी बसंती बहू को भी तेरे पास रख हमें नहीं चाहिए। मैं आपको कहने वाला था मेरा फैक्ट्री का काम बढ़ गया है। वहां मुझे रहने के लिए जगह मिल गई है। 4 कमरे हैं और वो भी साफ सुथरे। मैं बसंती को लेकर वहां जाऊंगा। अब मैं बुढ़िया घर का क्या क्या काम करूंगी? रसोई का काम साफ सफाई अनाज पीसना और फिर पानी लाना। ये राजा रानी मजे में रहेंगे वहां पे। बूढ़े माँ बाप का तो इन्हें कुछ ख्याल ही नहीं है। पिताजी मैंने कब कहा है कि मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ? आप भी मेरे साथ चलिए।
लेकिन आपको बसंती नहीं चाहिए, और मैं बसंती के बिना रह नहीं सकता। नहीं बाबा नहीं, पायगुण की वजह से हो गया है सब, कितनी समस्या आ गई है। अरे बस करो ये पायगुण की बात, सभी कमियों का एक ही कारण बताते हैं, पायगुण पायगुण बस, बाकी दूसरा कुछ जानते ही नहीं। प्रधान जी एक बात बताइए, वो सदानंद बसंती को ले गया या नहीं? बिल्कुल महाराज, सदानंद और बसंती अपने नए घर में बहुत खुश है। ये अच्छी बात है। और वो बूढ़ा बूढ़िया वे क्या कर रहे हैं? उनको तो आदत ही पड़ गई है। उनको भी आदत पड़ गई, दिन रात पायगुण और तकदीर को कोसते कोसते उनका भी गुजारा चल रहा है। अच्छा, बेवकूफ लोगों को अपने अज्ञान पर बहुत गर्व है, दीवाने हैं, पागल है। प्रधान जी तुम्हारे ये पायगुण की आइडिया का ख्याल एकदम गलत है, बिल्कुल मूर्खता। ये सब शिक्षा ना होने की वजह से, क्या बोला मैं, ये सब शिक्षा ना होने की वजह से है। ओके व्हाट ओके? तो महाराज आप मान गए क्या, आपकी बहू का पायगुण और आपका सरदर्द, इनका दोनों का कोई भी संबंध नहीं है? वाह वाह प्रधान जी, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। आपकी तनख्वाह 2 रुपए बढ़ा दिया है, इसके लिए एक सदस्य समिति अपॉइंट की है, यू आर द चेयरमैन। ओके व्हाट ओके? अनपढ़ गवार। महाराज ये लीजिए सरदर्द की गोली। अच्छा कोतवाल पानी लेके आओ। तो पानी का गिलास लीजिए, गोली निकली है, पानी पीजिए, सरदर्द गायब। अच्छा महाराज अब हंसिए, जैसे टीवी में वो आदमी हंसता है। Yeah.